एवरीवन, कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड स्टफ गोलगप्पे, दही पूरी। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं कई जगह यहाँ दही पूरी कहते हैं, कई जगह इसको स्टफ गोलगप्पे कहते हैं। तो आप लोग, कैसे बनती है? बहुत आसान है, बेसिक चीजों से हम बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। लिए है मैंने आटे के 7 पीस के गोलगप्पे, जो बाजार से भी ला सकते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं। ये है धनिया पुदीने की चटनी, ये है मीठी चटनी, ये है दही जिसको अच्छे से मैश करके और 1 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल के इसका बिल्कुल अच्छा सा फाइन सा बैटर तैयार कर लेना है। 1 छोटा आलू और थोड़े से व्हाइट चने जिसको मैंने दोनों को बॉईल करके हल्का जीरा और नमक लगा लिया है। यह है 0 नंबर की सेव, जो शेव पूरी और दही पूरी में यूज होती है वही है। एक थोड़ी सी अनार के दाने, गार्निशिंग के लिए फ्रेश हरा धनिया, थोड़े से अदरक के लच्छे, चाट मसाला, जीरा पाउडर, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर। सबसे पहले हम ले लेते हैं गोलगप्पे। इनके बीच में इस तरह से हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर स्टफिंग कर सके। ये दिल्ली का बड़ा ही फेमस स्ट्रीट फूड है, इसको काफी नामों से अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसको दही पूरी कहते हैं, कई जगह इसको स्टफ गोलगप्पे कहते हैं, अलग अलग नामों से, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से मैं सारे ही गोलगप्पों में छेद कर लूंगी। पहले भी मैंने मुंबई की शेवपुरी, पाव भाजी और वड़ा पाव सब शेयर किए हुए हैं जो मेरे चैनल पे हैं, जरूर जाके आप देखें। इसके अंदर हम डाल देंगे आलू और छोले जो मैंने बॉईल करके नमक और जीरा लगा के रखा था, इसको थोड़ा थोड़ा सबके अंदर फील कर देंगे इस तरह से। जो मेरे चैनल पे नए आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए इस तरह से हम सभी के अंदर मैंने फील कर दिया इनको, थोड़ा सा नीचे भी डाल दिया ताकि अच्छा से इसमें मसाले का टेस्ट आए। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही को मैंने अच्छे से मिक्स किया है, देख लिए। इसके अंदर डाल देते दही 1-1 चम्मच सब में इस तरह से। इसमें चाहे तो आप स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डालेंगे अब हम हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी है। इसके रेसिपी का लिंक मेरे चैनल पे है, आप जरूर जाके देखिएगा। ये देखिए इस तरह से मैं इसमें सब में थोड़ी थोड़ी धनिया की चटनी डाल दूंगी। अब इस पर डालूंगी मैं मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी है ये। इस तरह से थोड़ी थोड़ी हम सब पे डालते जाएंगे। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा डाल सकते हैं, जैसे भी आपको खट्टा मीठा तीखा चाहिए। इसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर हल्के हल्के मसाले, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्की सी भुना हुआ जीरा पाउडर इस तरह से, काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसके ऊपर डालेंगे हम सेव बारीक वाली, इस तरह से सब पे फिलिंग कर देंगे। ये पूरी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, स्पेशली बच्चों को, बड़ों को। कभी भी हम सुबह शाम जब मन करे कुछ चटपटा सा खाने का तो आप लोग जरूर ट्राई करना। इस तरह से मैंने सब में डाल दिया अच्छे से, ये देखिए। अब इसके ऊपर से फिर से मैं थोड़ा थोड़ा दही और चटनी से इसको अच्छे से गार्निशिंग कर देंगे ताकि ये देखने में बहुत अच्छी सी लगे इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब इस पर डाल दूंगी फिर से थोड़ी सी हरी धनिया की चटनी, थोड़ी थोड़ी सी डालूंगी क्योंकि स्पाइसी ना हो जाए ज्यादा। अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, अब इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से अनार के दाने। अनार अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर डालिए, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से अदरक के लच्छे, अगर ये भी आपको नहीं पसंद तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, पर ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 पीस आप सबके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। और इसके ऊपर डाल दूंगी फ्रेश हरा कटा हुआ धनिया। ये देखिए हमारी दही पूरी भरवा गोलगप्पे, आप कुछ भी कहिए, बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। और मुझे कमेंट करके बताएं मेरे बनाए हुए स्टफ गोलगप्पे आपको कैसे लगे। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।